आइए, आपका स्वागत है फिर से। दो लड़कियों के बारे में मैं केस स्टडी अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ ये वीडियो के माध्यम से। दोनों लड़कियों को करीब करीब सेम बीमारी। एक लड़की जो है उसकी उम्र 25-26 साल की, उसके माँ बाप ने उसको लाया और उसका उसका ये पक्का वहम है कि एक प्यारेलाल नाम का लड़का है, वो लड़का कहीं तभी ये दुनिया में है, वो जीवित है, वो लड़का इसके ऊपर प्यार करता है, ये उसके ऊपर प्यार करती है और वो लड़के के लिए वो तरसती है, वो सबको मैसेजेस भेजती है, कोई मिला तो उसको पूछती रहती है कि भाई प्यारेलाल आपको मिला क्या, वो आपका दोस्त है क्या, वो कहाँ है, उसका फोटोग्राफ उसके पास में है नहीं, उसने उसको कभी देखा नहीं, वो किसके साथ मिला था उसको मालूम नहीं, मगर उसको कहीं से भी मालूम हो गया कि ये कोई लड़का है और वो लेके बैठे पिछले 3 साल से ये चालू है, उसको मेरे पास में लाया कि भाई इसका इलाज करो। दूसरी एक लड़की है, वो लड़की उसको बॉयफ्रेंड था, वो 10th क्लास में जब थी तब कोई स्कूल में पढ़ती थी, बोर्डिंग स्कूल में, वहाँ उसका बॉयफ्रेंड था। अभी वो लड़का बाद में निकल गया, वो अपने सिटी में चले गया, वो कोई अलग स्टेट का था, ये वापस आ गई अपने स्टेट में और यहाँ अभी अपने गाँव आने के बाद में भी उसको उसके साथ में भी कॉन्टैक्ट भी नहीं है, वो बाद में मिला भी नहीं और उसको ऐसा लगता है कि वो इससे प्यार करता है और वो उसको मैसेजेस भेजते रहती है और मैसेज भेजते रहती है, उसने उसको ब्लॉक करके रख दिया। अभी वो बड़ा भी हो गया, ये मतलब 10th क्लास का था कि जब वो उसके साथ में प्यार करती थी, अभी 4-5 साल उसके बाद में हो गए, उसको लगता है कि नहीं वो तो कभी ना कभी मुझे जो ब्लॉक किया वो निकालेगा, वो कभी ना कभी मिलेगा, मैं उसको ढूंढ के निकालूंगी वो कहाँ है तो, और मुझे उसके साथ में बात करनी है, कम से कम एक बार तो बात कर दो, मैं शादी नहीं करने वाला उसके साथ में, शादी करना भी नहीं है, मगर हम अच्छे दोस्त थे और वो टालता रहता है, अभी वो कहाँ है मालूम भी नहीं है। उसको जब माँ बाप ने उसको पूछा जाके तो बोले अभी मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने प्यार भी नहीं किया, मैंने बात भी नहीं किया होगा, कभी तभी हाय हेलो किया होगा तो मैं उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ। इसके दिमाग में पक्का है कि वो एक ना एक दिन तो हाँ बोलेंगे ही और एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, एक ना एक दिन वो शादी कर लेगा, वो पक्का दिमाग में बैठ के है और वो किसके साथ में बातचीत नहीं करती, अपने आप अकेले अकेले रहती है, पर उसके दिमाग में वही चलता है कि वो लड़का मुझे कब मिलेगा, एकदम ही दूसरे स्टेट का है, वो कहाँ है उसका पता भी नहीं है। अभी जब उन्होंने पता निकाला था उसके बाद में भी वो अभी मालूम नहीं कि वो कहाँ है, एक बार उसके माँ बाप जाके मिले उसको और बाद में भी मालूम नहीं है कि अभी वो कहाँ है, और वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं मुझे तो वही चाहिए करके, मतलब ये एक दूसरा है। तीसरा अभी एक केस लड़के का है, अब लड़का क्या बोल रहा है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो भी और कहीं दूर है, वो लड़की ने इसको ब्लॉक करके रख दिया है, मगर वो सोचता है कि नहीं कहीं ना कहीं तो कहीं एक ना एक दिन तो वो आएंगी, वो बोलेंगी कि मैं तेरे को प्यार करती हूँ, मैं तेरे से शादी करती हूँ और मैं तो शादी उससे ही करूँगा, वो तो चाहती नहीं है मगर एक ना एक दिन तो आएंगे ही कि वो मुझे हाँ बोलेंगी और शादी करेंगी। अब ये सब बहम लोगों के हैं, एक्चुअली में कितना है, वास्तव में कितना है, वास्तव में कितना प्यार हुआ है लोगों का, वास्तव में क्या था, दोनों तरफ से प्यार था कि नहीं था, कुछ मालूम नहीं, मगर इनके पिताजी ने माँ बाप ने मतलब काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेट करके देखा, उनको लगा कि इनका असल में एक्चुअली किसका भी कुछ भी नहीं है, ये अपने दिमाग में लेकर बैठे हुए और उनका वही दिमाग चलता है कि नहीं वो तो एक ना एक दिन मिलेगा और एक ना एक दिन हमारी शादी होगी। अब ये सब जो खेल है ये सब फेसबुक व्हाट्सएप इसके नतीजे हैं, ये तो आपको सबको पता ही है, क्योंकि आप तो फेसबुक में व्हाट्सएप में कहाँ किसका लिंक लग जाएगा और कहाँ का मतलब कोई किसके प्यार में आएगा मालूम ही नहीं है और ये ऐसा चालू है लोगों का। पक्का वहम होने के बाद में अभी हमारे सामने ये होता है कि बाकी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तीनों भी केस बता रहा, 2 लड़कियाँ 1 लड़का, उनको बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, खाना पीना ये ठीक चल रहा है, बराबर खाते पीते रहते अच्छा है, मगर काम नहीं करते, बैठे रहते हैं और उनका उनके मन में वही है कि बस वो मिलेगा तो मैं शादी करूँगा, वो मिलेगा तो बाद में मैं काम करूँगा या करूँगी, वो मिलेगा तो मेरा जीवन अच्छा जाएगा। अभी उनका ट्रेस नहीं हो रहा, आज के दिन तो कोई ट्रेस भी नहीं है कौन कहाँ है तो, मगर ये बैठे हुए और माँ बाप को फिक्र ये है कि आज इनका करना क्या है, आज कहाँ से ढूंढ के निकालेंगे। अच्छा, सामने वाला ढूंढ के निकाला तभी भी वो तैयार नहीं है ना, जब वो किसने हाँ बोला होगा तो वो प्रॉब्लम माँ बाप को आते रहता है। ये एक दिमाग में ऐसा पक्का विचार, एक डिल्यूजनल थॉट
दिमाग में आते रहता है, ये डिल्यूजन्स है, ये पक्का विचार है, पक्का ग्रह मन में बैठा के रखा हुआ है, और उसमें फिर वो बच्चे जो है, मतलब ये जो पेशेंट जो है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कभी कभी फिर इनमें आखिर बहुत एकदम पागलपन भी आ जाता है, एकदम पूरा पागल बन जाते हैं, और फिर उनका इलाज पकड़ पकड़ के करना पड़ेगा। अभी आज जो लाया तो आज कोई पागलपन इतना नहीं है कि पकड़ के लाओ, है ना, और उनका ज़बरदस्ती इलाज करो, मगर इलाज करने को तैयार नहीं है। माँ बाप ने उनको लाया हुआ है, वो आ रहे हैं, और बोलते कि नहीं मैं तो, वो तो मिलेंगे और मैं शादी करूँगा या करूँगी। इस तरह के पेशेंट रहते हैं, इनके पक्के विचार हैं, मगर एक स्किजोफ्रेनिया मतलब डिल्यूजनल थॉट डिसऑर्डर है, और ये पूरा कंप्लीट स्किजोफ्रेनिया पागलपन में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आपके भी संपर्क में ऐसे काफ़ी लोग अभी आते होंगे। ज़रूर अच्छा लगा आपको वीडियो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हमारा जो है मकसद वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।